हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओ सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, यानी जिनके पास में भी MPS का कोर्स है और वो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और वो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी के एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए गए हैं और अब आप सभी के जून 2022 के एग्ज़ाम हैं। तो आप सभी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी को पता है कि लास्ट इससे जो पेपर हुआ था वो दिसंबर 2021 में हुआ था और इग्नू के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं। तो आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज में एक क्वेश्चन पेपर आज मैं फिर लेकर आया हूँ, जो कि MPSE 004 है। ध्यान रखना, ये जो ई शब्द है, अगर इस ई को मैं हटा दूं तो ये जो सब्जेक्ट बन गया है MPS 004, ये फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है और जब यहाँ पर ये जो ई शब्द आएगा, ई शब्द आ जाता है, तो ये सेकंड ईयर का सब्जेक्ट बन जाता है। तो इस चीज़ को ज़रा नोट करेंगे और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे बड़ी बात, ये पेपर जो है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर सब्जेक्ट का नेम आप सभी के लिए गिवन है, MPS 004, सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट्स इन मॉडर्न इंडिया। इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा के अंदर क्वेश्चन पेपर को आप सभी को दिखाने की कोशिश करी है। और सबसे पहली बात, तो आप सभी ने भी फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे दिए और जो सेकंड ईयर में पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, जैसे जो नए बच्चे हैं, जैसा किसी का बैक आया है सेकंड ईयर में और वो इस पेपर को दे रहा है, तो उसको तो ऑलरेडी पता होगा कि आप सभी का पेपर जो है वो 50 मार्क्स का आता है और 2 घंटे का ही टाइम आपको मिलता है। और ये दिसंबर 2021 का पेपर, यानी 2021 में तो ये पेपर हो नहीं पाए थे क्योंकि कोविड बढ़ गए थे, तो ये पेपर जो है वो फरवरी मार्च 2022 में ही हुए थे। लेकिन जो टर्म एंड था वो आपका कब का था, वो दिसंबर का ही पेपर का था, इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप सभी के लिए कुछ वेरियस डिटेल्स दी गई है, जैसे मैं आपको बता दूँ कि कोई भी आप 5 क्वेश्चन आप सब कर सकते हो और इसमें क्वेश्चन पेपर जो है आप सभी के लिए वो सेक्शन वाइज आता है। जैसे फर्स्ट सेक्शन है, इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए, इसमें से कोई भी आप मैक्सिमम 3 कर सकते हो और मिनिमम हर सेक्शन से आपको 2 करना है। अगर आप इस सेक्शन से 3 अटेंड करते हो तो अगले सेक्शन से आपको इस वाले से 2 क्वेश्चन अटेंड करना ही पड़ेगा। पहले वाले से 3 किए, दूसरे वाले से 2 किए, तब 5 बनेंगे, या फिर आप दूसरे वाले से 3 कर लीजिए, पहले वाले से 2, यानी किसी भी एक से आप 3 से ज़्यादा अटेंड नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना है आप सभी को। यहाँ पर हम आप सभी के लिए बात कर रहे हैं पूरे क्वेश्चन पेपर के बारे में, तो जो क्वेश्चन आपको हिंदी में दिक्कत लगे, क्योंकि कई बार इग्नू का जो पेपर होता है उसके अंदर टाइपिंग मिस्टेक होती है और बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, तो इस गलती को आपको नोट करना है। सबसे खंड फर्स्ट यानी अभी अनुभाग भी लिखा सकते हैं यहाँ पर आप सभी के पेपर में, अनुभाग एक या फिर खंड एक भाग एक, एक ही बात है तीनों के तीनों। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए आ चुका है, पूर्व आधुनिक राजनीतिक चिंतन की विशिष्ट लक्षणों पर एक निबंध लिख दिए। पूर्व आधुनिक, आधुनिक से पूर्व यानी जब हमें आज़ादी नहीं मिली, आज़ादी से पूर्व के जो हमारे जो पूर्व के जो विद्वान रहे हैं, आज़ादी से पूर्व के जो हमारे विद्वान रहे हैं, उन सभी के आपको विश्वास, उन सभी के बारे में बताना है कि किस तरीके की उनके सोच थी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, सबसे पहली बात तो वो उन लोगों ने क्या है, सामाजिक चेतना, क्या चीज, सामाजिक चेतना इसको बढ़ाने का प्रयास किया है। दूसरी बात, जो भी सोशल इश्यूज थे, सामाजिक समस्याएं थी, उन समस्याओं पर उन्होंने अपने विचारों के थ्रू समाधान देने की कोशिश करी। अगली चीज, सामाजिक परिवर्तन किस तरीके से लाया जा सकता है, उन्होंने ऐसे तर्कों को सराहा है, उन लोगों ने ऐसे तर्कों को सामने रखा है और साथ ही साथ उपनिवेशवाद के क्या कमियां हैं इसको रखा है, उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के ऊपर अपने विचार दिए, वो धार्मिक भी हो सकते हैं या फिर जो भेदभाव है उसके क्या कारण है और भेदभाव को कैसे निपटाया जा सकता है, कैसे खत्म किया जा सकता है, इसके बारे में भी उन्होंने बताया। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के लिए पूछा गया है, दयानंद सरस्वती जी के धार्मिक राजनीतिक विचारों का परीक्षण कीजिए। इस वाले क्वेश्चन में आप सभी को दयानंद सरस्वती के धार्मिक और राजनीतिक विचारों का क्या करना है, परीक्षण करना है। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसके अंदर हम बताएंगे कि दयानंद सरस्वती जी ने धर्म को किस तरीके से मानना चाहिए, भेदभाव किस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म के भेदभाव की वजह से हमारा समाज जो है, समाज में विभाजन हो जाता है, समाज में
डिवीजन हो जाता है, और समाज में विभाजन होने की वजह से, समाज में विभाजन होने की वजह से हम जो है वो क्या होता है, एक दूसरे से बट जाते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आपको ये एक्सप्लेन करना है, बाकी ये वीडियो जल्दी आप सभी के लिए आएगा। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होता है, तो इस क्वेश्चन को आपको टैग करके रख लेना है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, राष्ट्रवादी आंदोलन में नरमपंथी, नरमपंथी और उग्रपंथी, उग्रपंथी। जैसे नरमपंथी किसे कहते हैं, तो नरमपंथी उनको जो गांधी जी या फिर जो अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले, यानी जो ज्यादा संघर्ष की बात नहीं करते थे, जो लड़ाई झगड़ा हिंसा की बात नहीं करते थे, वो तो नरमपंथी में आते हैं। और दूसरा उग्रपंथी, जिनका ये मानना था कि हमें आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, बल्कि हमें आज़ादी छीननी पड़ेगी, चाहे हम लाल बाल पाल की बात कर लें, लाल बाल पाल, जैसे विपिन चंद्र पॉल, लाला लाजपत राय, ये हमारे कुछ लाल बाल पाल के अंदर थे। इनके बीच में क्या क्या समानता है और क्या क्या असमानता है। समानता है इनके बीच में ये है कि दोनों राष्ट्रीय आंदोलन का बढ़ाना चाहते थे, वो अंग्रेजों से मुक्ति दिलाना चाहते थे, अंग्रेजों के शोषण से हमें मुक्ति दिलाना चाहते थे। और अंतर की बात करें तो दोनों के अंदर अंतर बेसिक सा ये है कि एक जो है वो गांधीवादी दृष्टिकोण की तरफ बह के चलते थे, और दूसरे जो थे वो हिंसक रूप को अपनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ज्योतिबा फुले एक कैसे समाज सुधारक थे, तो इन्होंने क्या किया, महिला महिला शिक्षा में वृद्धि, इन्होंने इसकी बात करी है, महिला शिक्षा में वृद्धि की बात करी, सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, इन्होंने प्रौढ़ा शिक्षा की भी बात करी, प्रौढ़ा शिक्षा, प्रौढ़ा जिसे हम बोलते हैं ओल्ड एज, ओल्ड एज एजुकेशन की बात करी है। तीसरी बात, इन्होंने सामाजिक सामाजिक कुरीतियां, इन सब के खिलाफ में आवाजें उठाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, आपको बार बार ये क्वेश्चन रिपीट दिखेगा, और एक ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा अक्सर देखा ही जाता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर से क्वेश्चन में जरूर पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम राष्ट्रवाद के प्रति MA जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना क्या योगदान है। तो इसमें आपको इनके द्विराष्ट्र सिद्धांत को बेसिकली आपको एक्सप्लेन करना है। द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब क्या है, पहले सबसे पहले आप ये समझिए। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी दो मुल्कों का देश, दो कौमों की कंट्री, इसे ही द्विराष्ट्र सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना ने दी थी। दूसरी बात, राष्ट्रवादी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पृथक पृथक करने की बात करी थी, या फिर हम बात करें पृथक निर्वाचिका, पृथक संप्रदाय के लोगों के लिए पृथक होना चाहिए, ऐसी इन्होंने डिमांड करी थी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर हम क्वेश्चनों को सिर्फ नॉर्मली एक्सप्लेन कर रहे हैं, पहली बात तो हम ये देखेंगे, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में पूछता है। तो अब तक चार क्वेश्चन मैंने आप सभी को बताए, एक जयप्रकाश नारायण जी का क्वेश्चन रिपीट होता है, एक राष्ट्रवाद पर टैगोर के विचार ये भी रिपीट होते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये क्वेश्चन, क्योंकि अब की बार का जो लास्ट ईयर पेपर बना था ये बहुत इजी बना था, क्योंकि जो हमने क्वेश्चन पहले आप सभी को बताए थे वही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आए, तो आप लोग इस चीज को तो निश्चिंत होकर रह सकते हैं, इस चीज से कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, तो इस चीज को लेकर आप निश्चिंत ही रहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए क्या है कि भाई समाजवाद पर, यहाँ पर पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, और ये खंड शुरू हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस वाली यूनिट है, इसमें आपको दो ही क्वेश्चन आते हैं आपको, जैसे ये वाला दयानंद सरस्वती का या फिर ज्योतिबा भाई फुले का या मुस्लिम नेता, इन तीन तीन क्वेश्चन आपने यहाँ से अटेंड कर लिए। इसके बाद अब अगली यूनिट से आप दो क्वेश्चन कोई भी अटेंड कर सकते हो, जो भी आपको आते हैं। आप जयप्रकाश नारायण के समाजवादी विचार को लिख सकते हैं, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, दोनों कई बार एक साथ पूछे जाते हैं। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो समाजवाद की कल्पना है ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा बनता है स्वराज सर्वोदय और स्वदेशी पर गांधी के विचार। ये तो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। स्वराज का मतलब होता है स्वयं का राज, खुद का, स्वयं का, इनकी बात करी है। सर्वोदय मतलब हर एक तबके का विकास, हर एक तबके का विकास, इन्होंने इसके बारे में बात करी है। और स्वदेशी का मतलब क्या होता है, अपने अपने ही देशों की चीजों या निर्मित वस्तुओं पर बल देना, उन्हीं अपने देश की चीजों पर ही खरीदना, उन्हें अपने देश की चीजों को ही यूज करना, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है।
ये किसकी विचारधारा है? तो गांधी की विचारधारा, और बहुत बार पूछा गया है, इसे डबल स्टार करके लिखिए, ये शॉर्ट नोट में भी और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में इंपॉर्टेंट है। अगला है समाजवादी, इस पे नेहरू जी के विचार पूछे थे, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और वैसे ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है। तो वो समाजवाद के तीन विचार है, या तो आपसे नेहरू के बारे में पूछेगा, जयप्रकाश नारायण के बारे में पूछेगा, या राम मनोहर लोहिया के बारे में पूछेगा। इन तीन में से एक के बारे में पेपर में पक्का आएगा, तो इन तीन टॉपिक्स को करने के बाद भी इसका मतलब ये क्वेश्चन आपने पक्का अपने पेपर के लिए तैयार कर लिया है। यहां से हो गया जयप्रकाश नारायण जी के बारे में मैंने बताया कि भाई समाजवाद के विचार है, तो वैसे विचार इनके लिए हम अलग ही से आपसे लोगों के लिए लेकर आएंगे। और अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, राष्ट्रवादी नेता के रूप में टैगोर के विचार, टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताना है, उनके राष्ट्रवाद को लेकर क्या विचार थे। और अंत में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, इनके सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र पे क्या विचार है। भाई सामाजिक लोकतंत्र का मतलब, इनका मतलब था कि भाई समानता, समानता का भाव होना चाहिए, समानता का भाव होना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब यह है कि भाई लोगों की जो राजनीतिक वोटों की कीमत है, राजनीतिक राजनीतिक मूल्यों, समानता ये भी जरूर होनी चाहिए। तो होपफुली आप लोगों को ये समझ में आएगा। और मैंने जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपको कोई भी डाउट है तो अपना डाउट आप हमसे इस नंबर के थ्रू कांटेक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए बहुत सारे वेरियस लिंक है, आप उन लिंक्स के थ्रू जाकर हमें सोशल मीडिया के विभिन्न अकाउंट्स पर हमें फॉलो कर सकते हैं, अपनी कोई भी क्वेरी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय।